जी जनाब, वेलकम बैक। आज के सेक्शन में मेरे साथ मेरी क्लास फेलो अमल बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक है भाई, अमल जो हमारे लिए सेगमेंट तैयार करके लाती हैं कभी कभी, तो आप सबको पता ही है कि वो बड़ा पॉपुलर सेगमेंट है, क्योंकि अमल ऐसे टॉपिक पे तैयारी करके आती हैं जो कि बहुत यूनिक होता है और हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होता है। ख़ासतौर पर इन्होंने जिस दिन हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कशिश शक्ल के बारे में बताया था, तो वो वीडियो क्लिप इतना पॉपुलर हुआ है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने हमें बताया कि भाई हमें आज सही तरह से समझ में आई है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। अमल ने इतने प्यारे अंदाज में हमें समझाया, तो आज अमल हमें क्या बताने वाली है? Four interesting places around the world. Four interesting places around the world, यानी पूरी दुनिया की चार ऐसी जगह जो बहुत दिलचस्प है, और यकीन जानिए आपने इन जगहों के बारे में, मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन शायद नहीं सुना होगा। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, एक दो के बारे में सुना होगा। अच्छा जी, ये पहली जगह क्या है अमल, बताइए। ये मैं यही पकड़ूंगा, आप वैसे बताओ क्योंकि वो कैमरे ने लेना है ना। The first place is Dead Sea in Jordan. And why is it so interesting? Because there's so much salt in it. If a single fish goes in it, तो वो dead हो जाएगी और humans भी नहीं swim कर सकते। अच्छा, ये Dead Sea है और इतना salty है कि इसके अंदर fish भी जिंदा नहीं रह सकती। हालांकि बच्चों हमारा ख्याल होता है ना कि fish ने तो जिंदा रहना ही पानी में है, लेकिन ये वो पानी है जिसमें फिश भी जिंदा नहीं रह सकती। और अगर मैं स्विमिंग करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? पॉसिबल नहीं है? नहीं, लेकिन फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट कर सकते हैं लेकिन इजीली स्विम नहीं कर सकते। डेड सी जॉर्डन, ठीक है जी। एक ये बड़े मजे की जगह हमें अमल ने बताई, और सेकंड तो बहुत ही जबरदस्त है, मैंने यहाँ जाना है। ये रेनबो रिवर है कोलंबिया में। And why is it so interesting? Because it's the one and only river in the world which has so many colors in it. अच्छा, ये जो colors नजर आ रहे हैं, जरा close up लीजिएगा जी। ये जो colors हैं, ये original colors हैं अमल। Seriously? अंदर कुछ special plants हैं given by Allah जो इन colors को दिखाते हैं। Actually ये पानी का color नहीं है, अंदर से plants दिख रहे हैं velvet के। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, ये magenta और ये turquoise और ये सारे colors पानी के हैं, लेकिन ये पानी के अंदर पौधे उगे हुए हैं और plants हैं जो कि reflect कर रहे हैं और उनका color नजर आ रहा है। Beautiful भाई, और ये बिल्कुल rainbow इसलिए कहते हैं कि कौसे कजा की तरह इसके रंग हैं, रेनबो की तरह रंग। ये वेलवेट और फाइव कलर्स होते हैं इसमें। फाइव कलर्स हैं, जरा गिने तो सी कौन कौन से हैं। मैं तो ऑलमोस्ट कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे तो सिर्फ दो ही नजर आ रहे हैं, एक लाल और एक पर्पल, नीला और, लेकिन इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं। हाँ, बहुत शेड्स वो वाला है ना, तो समझ नहीं आता है। और क्योंकि बहुत सारे इसलिए इनको रेनबो कहा जाता है। तो ये रेनबो रिवर था जी कोलंबिया का। और ये तो देखिए क्या है, अभी हम सुबह रात की बात कर रहे थे, तो रात में हमने चांद और सितारों की बात की, तो ये रात के वक्त जब बिजली कड़कती है तो इससे भी बातें करनी बड़ी जरूरी है। बुगोर इन इंडोनेशिया, इसके अंदर 322 डेज लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स होते रहते हैं इन वन ईयर। यानी एक साल के 365 दिनों में से बच्चों 322 दिन रात के वक्त तूफान की से कैफियत रहती है और लाइटनिंग होती रहती है। लाइटनिंग से क्या मुराद है? जो बिजली कड़कती है इसको हम लाइटनिंग कहते हैं। और ये तो लेकिन ये मुझे लग रहा है तो बहुत ज्यादा लाइटनिंग है, है ना? बहुत ज्यादा। इसमें तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं, इतनी लाइट है इसमें। बहुत ज्यादा लाइटनिंग इस वजह से क्योंकि इसके अंदर 322 होती रहती है और ये नॉइजीएस्ट प्लेस कहलाती है और इसमें लोग मरते भी हैं। बिजली गिर जाती है ऊपर, यार डराओ नहीं मुझे अमल तुम। अच्छा ओके, ये इंडोनेशिया में है जी बुगोर ये जगह है, और ये अमल रिसर्च करके लाई है कि ये बहुत ही मतलब थोड़ा डर सा लगता है यहाँ पे। साइंटिस्ट थिंक कि इस वजह से होती है क्योंकि वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया में बहुत, तो वो एक ऐसी गैस निकालते हैं जिससे वो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म। अच्छा बाजी भाई, इसकी वजह भी जाननी बहुत जरूरी थी। थैंक यू अमल। और ये आखिरी रह गया है, ओहो ये तो बहुत ही खतरनाक है। बस ये है डोर टू हेल इन तुर्कमेनिस्तान। डोर टू हेल,
यानी जहन्नुम का दरवाजा सुबह सुबह वाले डराना शुरू कर दिया मुझे, रियलिटी चेक दे रही है। अच्छा हाँ क्या? 41 years back कुछ साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने वो ऑयल निकाल रहे थे जमीन के अंदर से, बजाय के ऑयल निकले गैस निकल गई। ओ फिर? फिर जिन्होंने निकाला था जो जियोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने सोचा ही उन लोगों के लिए डेंजरस हो जाएगी जो इस गैस के पास रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने उसे जला दिया और आग लग गई। जलाया उन्होंने, एक दफा जलाया खुद ही जलना शुरू हो गई वो। फिर जब खुद ही जलना शुरू हुई तो आज तक वो जल रही है लेकिन खत्म नहीं हो रही। 41 years back से आज तक जल रही है लेकिन खत्म नहीं हो रही। और ये किस जगह पे है जी? तुर्कमेनिस्तान में। और इसको कहते हैं डोर टू हेल। इस वजह से कहते हैं कि एक दरवाजा है उसके अंदर से हम लोग हेल फायर में जा रहे हैं लेकिन असल में नहीं जा रहे। असल में नहीं जा रहे, जाहिर है यार असल में तो नहीं जा रहे, वरना तो मैं तो डर के मारे इधर भाग जाता अभी शो छोड़ के। लेकिन ये देखने में बिल्कुल मंजर कुछ वही लगता है जो हमें जहन्नुम के बारे में बताया जाता है। अच्छा तो बात सुनो अमल, इन चारों जगहों में से आप खुद भी कहीं गई हैं? कहीं नहीं गई। प्लान बनाते हैं फिर, है ना? इंडोनेशिया, कोलंबिया, तुर्कमेनिस्तान और चौथा कौन सा था? जॉर्डन। जॉर्डन, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया और कोलंबिया के हमें आज अमल ने सैर कराई। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बड़ी रिसर्च आप करके लाई थी। आपके सेगमेंट से हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है, हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, हमें अमल से सीखने का मौका मिलता है। और साथियों इसी सेगमेंट का हमारा मकसद भी ये है कि हम एक की जो बात लेके चलते हैं ना कि बड़े जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, हम उस्ताद हैं बच्चा शागिर्द है, बच्चे ने हमसे सीखना है, हम जो सिखाएंगे बच्चा वो सीखेगा। ये बातें दुरुस्त, लेकिन बच्चे हमें कितना कुछ सिखा सकते हैं इन चीज़ों को हमने कभी डिस्कवर नहीं किया। और हमारा शो इसी चीज़ को आपके लिए लेकर आता है कि हम गपशप के अंदर बच्चे बच्चों से भी सीखते हैं लेकिन हम बड़े भी बच्चों से सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच।